Hotel Kingston. Very nice, beta. Now I am satisfied. तुमने किंगस्टन के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी फिंगर टिप्स पर उतार लिए हैं, वो भी काफी जल्दी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, किंगस्टन के फाइनेंसेस के बारे में बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आकाश को किंगस्टन के फाइनेंशियल स्टेटस की पूरी जानकारी होगी। समझ गई ना? वो ऑक्यूपेंसी का क्या हुआ? कुछ खास नहीं। और वैसे भी डैड, आपने ऑक्यूपेंसी के बारे में केल कर से कहा था, मुझसे नहीं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर प्रेजेंटेशन तक होटल की ऑक्यूपेंसी 100% नहीं हुई तो मैं उस केलकर को छोड़ूंगी नहीं। ओके बाबा, ओके, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? कम से कम मुझे ये तो बता सकती हो कि केलकर ने ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? उसने बुलाया कोई इंडियन क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के लुक अलाइक्स, और उनकी वजह से गेट पर इतनी भीड़ थी आज सुबह, इट वाज क्रेजी। इसका मतलब होटल के अंदर बाहर काफी एक्साइटमेंट हो रही होगी। डैड, इंडिया में लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं, मुंह उठा के चले आते हैं। अरे होटल के बाहर इतनी भीड़ थी, इट वाज क्रेजी। थैंक गॉड निक नहीं था वहां पे, वो तो बेहोश हो जाता। तुम निक को मिस कर रही हो ना? लेकिन आ रहा वो एक दो दिन में वापस। वापस आ जाएगा? क्यों? डैड। ओह, समझ गया। वहां उसका भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा होगा, वो भी तुम्हें मिस कर रहा होगा, है ना? डैड, देवयानी नहीं आई आज? नहीं बेटा, मैं भी देवयानी को बहुत मिस करता हूं। Dad, isn't it nice that end of the day we have each other and we have Kingston, और हम अपने होटल को अपने से दूर कभी नहीं होने देंगे, है ना? Right, बेटा। Hello, Bhuvan। तुमने जो कहा था वो लेके आया हूँ। ये क्या, Dad? Black book। Black book? होटल किंगस्टन के राज, सीक्रेट्स। गुड आफ्टरनून किंगस्टन होटल, दिस इज पायलिया, हाउ मे आई हेल्प यू? जस्ट अ मिनट। हेलो, विश कहाँ है? उसके लिए अर्जेंट फोन कॉल है। विश? अरे वो शाहरुख खान और सौरभ गांगुली का झगड़ा हो रहा है बाहर, उसी को सुलझाने गया है। आ रही होगा, चिंता मत कर। ओके, बाय। विश कहाँ है? How can I know that? लो आ गया। What's it, Payal? विश, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए अर्जेंट कॉल है, कोई एयरलाइंस के रिसेप्शन से। एयरलाइंस? Just a minute. Yes, ma'am. Thanks for holding. Mr. Kelkar is right here. Speak to him. Yes, ma'am. Tell me. What? Okay, ma'am. Thanks for the information. Yeah. पायल शैली कहाँ है? वो हॉस्पिटल गई है। विश, विश क्या हुआ? शैली पहली बार। हाय विश। सर, मेजर प्रॉब्लम। आकाश को पता चल गया कि मैंने एयरलाइन ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसके रिसेप्शनिस्ट ने अभी मुझे फोन करके बताया। तो इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है विश। सर, ये बात आप जानते कि मैं वहां ज्वाइन नहीं करने वाला था, लेकिन आकाश को ये बात पता चल गई है कि मैंने वहां अप्लाई किया है। गोविंद, ही इज राइट। विश ठीक कर रहा है। आकाश इस इशू को लेकर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। डैड, व्हाट प्रॉब्लम? आई मीन, व्हाट्स गोइंग ऑन? शैली, एक लेटर टाइप करो, क्विक, डोंट वेस्ट टाइम। लिखो टाइप। और सुनो, इसे इसे बैक गेट करो।
अपने डैडी के बर्थडे से एक दिन पहले। डैड बैक डेट। शेली जो सीए अंकल कह रहे हैं वो करो। देखो आई गोविंद सहाय हैव नॉट एक्सेप्टेड द रिजिग्नेशन ऑफ विश्वामित्र केलकर। हो गया अब इसे फ्लॉपी पे दे दो। अब मैं इसका प्रिंट आउट तुम्हारे लेटर हेड पर निकाल कर तुम्हारे साइन करा लूंगा और फिर इसे होटल के रिकॉर्ड में एंटर करा दूंगा। डोंट वरी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू काशी। निकलता हूं। तो ये सब मिस्टर केलकर को बचाने के लिए किया जा रहा था? नहीं बेटा, केलकर ने हम सबको प्रोटेक्ट किया है। अपनी बर्थडे के बाद मैं किंग्समैन का एमडी नहीं रहा और केलकर को रीअपॉइंट करने के लिए मुझे बोर्ड की परमिशन लेना जरूरी थी। आकाश ये जान चुका था और वो इस इंसिडेंट को लेकर बोर्ड मीटिंग में एक हंगामा खड़ा कर देता और तुम उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकती थी बेटा। इनफैक्ट केलकर हैज प्रोटेक्टेड यू। आई थिंक यू शुड थैंक हिम। सर आई विल मेक अ मूव। ऑक्यूपेंसी फुल लेने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आकाश मुझे नहीं लगता कि शेली सहाय तुम्हारे किसी भी मूव को काउंटर अटैक कर पाएगी और अरविंद जब बोर्ड को यह पता लगेगा कि गोविंद सहाय ने कंपनी फंड्स पर्सनली यूज किए हैं तो किंगस्टन तो उसके हाथ से जाएगा ही, साथ ही वो फाइनेंशियल क्राइम के एलिगेशंस में अंदर भी जाएगा। आकाश इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मनी मेक्स द मेयर गो। इसका प्रूफ सीधा बोर्ड मीटिंग के क्लाइमैक्स में ही पहुंचेगा। वेल ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बेटा। बुराई अपना चक्रव्यूह कितना ही मजबूत बना ले मगर सच्चाई की ताकत आखिर उसे तोड़ ही देती है। आई एम कॉन्फिडेंट बेटा कि आज की इस महाभारत में तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। ओह डैड, यू नो व्हाट, यू आर अ ग्रेट डैड एंड आई एम गोइंग टू मिस यू एट द प्रेजेंटेशन। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि आपको मैं कैसे अपने साथ उधर लेके जा सकती हूँ। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। मिस शेली सहाय प्लीज। मिस्टर आकाश मेरा ख्याल है कि हम सभी यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स हैं, सो इट रियली डजंट मैटर हु वी स्टार्ट विद, सो व्हाई नॉट विद यू। आप अगर पहले बोल लेती तो शायद आपको बोलने का एक मौका मिल जाता क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब आपकी खामोशी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। एनीवेज मिस शेली सहाय एंड डिस्टिंग्विश्ड बोर्ड मेंबर्स, किंगस्टन जो किसी जमाने में इस शहर की शान हुआ करता था आज उस बूढ़े रिटायर्ड बेसहारा बाप की तरह है जिसकी देखभाल करने के लिए उसके बच्चे हैं तो सही लेकिन ये बच्चे अपने बूढ़े रिटायर्ड बाप की बची कुची दौलत से अपनी तकदीर बनाने में लगे हुए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली बूढ़े किंगस्टन के एक ऐसे ही बच्चे साबित हो रहे हैं मिस्टर गोविंद सहाय। मिस्टर आकाश प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मिस सहाय आपकी एजुकेशन अमेरिका में हुई है, अगर आपने इंडियन लिटरेचर पढ़ा होता तो आप शायद मेरी लैंग्वेज की फैन बन जाती। डिस्टिंग्विश मेंबर्स, किंगस्टन पर हर साल फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है, मेंटेनेंस हो नहीं रही है और स्टैंडर्ड लगातार गिरता चला जा रहा है। फूल प्रूफ प्लानिंग ना होने की वजह से हमें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसका सारा नुकसान हम सभी बोर्ड मेंबर्स उठा रहे हैं। मार्केट में हमारे शेयर्स की कीमत दिन ब दिन लगातार गिरती चली जा रही है। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स,
मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच सिर्फ एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि अपने डैड मिस्टर गोविंद सहाय को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे डैड ने अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को मुझसे ज्यादा चाहा है या उसकी केयर की है तो वो है किंगस्टन। पास इट ऑन, थैंक यू। एंड नाउ टू कम टू योर क्वेश्चन ऑफ लॉसेस मिस्टर आकाश, विद द राइज ऑफ टेररिज्म द वर्ल्ड ओवर द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज हैड अ वेरी हैवी सेटबैक। दुनिया के किसी भी कोने में होटल इंडस्ट्री ने तरक्की नहीं की है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई किंगस्टन इज बीइंग सिंगल्ड आउट। दिस इज प्योर जिब्रिश। मुझे एक बात समझाइए, अगर ये जो कह रही हैं वो सच है तो मुंबई के बाकी होटल्स पे इसका कोई बुरा असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? डिस्पाइट ऑल दिस किंगस्टन में टूरिस्ट ट्रैफिक में राइज देखा गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इवेंट्स, उनके गेस्ट को अपने से जोड़ने के लिए हमने बहुत से अट्रैक्टिव पैकेजेस निकाले हैं। इनफैक्ट कुछ मल्टीनेशनल्स हमारे साथ आजकल में ही एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं। और यही नहीं, लोकल गेस्ट के लिए भी हमने बहुत से अट्रैक्टिव पैकेजेस रखे हैं। एंड टू कीप आवर रेस्टोरेंट्स फुल, वी हैव फेस्टिवल्स लाइक सपर थिएटर गोइंग ऑन। एंड उसके बाद भी ऑक्यूपेंसी वही की वही है, 45%। मिस्टर आकाश गोयनका, आप शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स एनालाइज करने में बिलीव नहीं करते। शायद आपका अकाउंट्स बहुत वीक है क्योंकि आप लिटरेचर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेल, आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट दैट किंगस्टन की करंट ऑक्यूपेंसी है 82%, और ये आने वाले दिनों में भी ढलने वाली नहीं है, बिकॉज वी हैव एडवांस बुकिंग्स फॉर द कमिंग सीजन। जी थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो पेपर्स जितनी जल्दी हो सके आप बोर्ड मीटिंग में भिजवा दीजिए। यस, बाय। हेलो। हेलो विश। यस सर। हाँ, बैंक से कुछ पेपर्स आएंगे, वो जैसे ही पहुंचे शैली के हाथ में दे देना। ओके सर, राइट। या पाल के कुरियर आया बैंक से? नो। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग दैट मिस्टर गोविंद सहाय के बिना किंगस्टन की कोई भी मीटिंग इनकम्प्लीट है, एंड इसलिए एज यू नो किंगस्टन इज नॉट जस्ट अ होटल, इट इज अ लेगेसी। दुनिया में किंगस्टन के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं बीमार हूं और शायद मेरी तरह किंगस्टन भी बीमार है। जैसे एक बच्चे की परवरिश की जाती है उसी तरह मैंने किंगस्टन को डेवलप किया है, लेकिन नाउ आई बिलीव दैट द टाइम हैज कम दैट किंगस्टन बी हैंडेड ओवर टू अ न्यू जनरेशन। और इसके लिए मैं अपनी बेटी शैली सहाय का नाम प्रपोज करता हूं। शैली ना ही किंगस्टन में पली बड़ी हुई, उसका किंगस्टन के साथ एक बहुत गहरा इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है। अपने न्यू आइडियाज से, अपनी नई सोच से न सिर्फ वो किंगस्टन की पुरानी शान को रिस्टोर कर सकती है, आई बिलीव शी कैन टेक किंगस्टन ऑन टू ग्रेटर हाइट्स। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे होने वाले इन्वेस्टर्स, उन सबको ये जानकर खुशी होगी कि किंगस्टन का भविष्य सहाय परिवार के सुरक्षित हाथों में है। Therefore, it is my special request that you give शैली a fair chance. अगर वो अनसक्सेसफुल होती है तो हमारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा, किंगस्टन के फेवर में होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।
मिस्टर गोविंद सहाय की इस इमोशनल अपील की तारीफ करनी पड़ेगी। एक कहावत है, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। मैं आप सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने मिस शैली सहाय से कुछ सवाल करना चाहूं, और अगर ये मेरे सवालों का जवाब दे देती हैं, तो आप लोग बेझिझक गोविंद जी की इस वसीयत पर अपनी मोहर लगा दीजिएगा। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं किंगस्टन की पिछले कुछ सालों से ऑडिटेड। इसमें हर साल किंगस्टन को प्रॉफिट में दिखाया गया है, मगर इसमें से बैंक के लोन्स के इंटरेस्ट को कभी माइनस नहीं किया गया। जो कर दिया जाए तो यह साबित होता है कि पिछले 3 सालों से किंगस्टन प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में है। क्या यह फाइनेंशियल मैनिपुलेशन मिस्टर गोविंद सहाय और उनके सीए की जिम्मेदारी नहीं है? मिस्टर आकाश जिस लोन की बात कर रहे हैं वो किंगस्टन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, और ये उस वक्त लिया गया था जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन चल रही थी, और जिसकी वजह से किंगस्टन को भी एक सिक यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये लोन हमने अंडर BIFR लिया था, दैट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ दिस लोन हमें पहले 5 साल लोन पर इंटरेस्ट नहीं पे करना था। अब मिस्टर आकाश ये चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट जो बैंक ने हमसे चार्ज ही नहीं किया, हम उसको मैनिपुलेट करके एक्सपेंस अकाउंट में दिखाएं। नाउ दैट इज रियली बैड मिस्टर आकाश। थैंक्स। कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग मिस्टर गोविंद सहाय अपने इस बर्थडे के बाद किंगस्टन के एमडी नहीं रहे। ये जानते हुए भी मिस्टर गोविंद ने कंपनी के एक एम्प्लॉय मिस्टर विश्वामित्र केलकर को रीअपॉइंट किया। इट्स अ केस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स। मिस्टर आकाश बेवजह इस मीटिंग को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर गोविंद सहाय इज अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट मैन। मिस शैली सहाय, इट्स अ सीरियस एलिगेशन, आपको इसका जवाब देना होगा। ये वो लेटर है जिसमें मिस्टर सहाय ने मिस्टर केलकर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से साफ इनकार किया है, और अगर इस लेटर में हम डेट देखें तो वो मिस्टर सहाय के बर्थडे से एक दिन पहले है जब वो कंपनी के एमडी थे। मुझे लगता है कि अब हमें एमडी के लिए वोट कास्ट कर लेना चाहिए। एक मिनट, मिस्टर गोविंद सहाय ने कंपनी के 4 करोड़ रुपए पर्सनली यूटिलाइज किए, और इस बात की ना तो बोर्ड को कोई खबर थी और ना ही इस पैसे का कोई भी हिसाब है। मिस्टर आकाश, क्या आपके पास इस बात का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? आ रहा है। I'm sorry, gentlemen. ये कुरियर था and yeah, it's for me. I'm sorry, Mr. आकाश. ये कुरियर आपके लिए नहीं, मिस शैली सहाय के लिए है। मैम। Thank you. शैली बेटा, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आकाश के लिए आने वाले थे। तुम चाहो तो अपने प्रमोटर्स के लिए शेयर होल्डिंग इंक्रीज की अनाउंसमेंट कर सकती हो। मिस्टर आकाश, पेपर्स के लिए हमें और कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा? आई थिंक अगर मिस्टर आकाश के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते तो वो उन्हें अपने साथ लेकर आए होते। एनी मोर क्वेश्चन मिस्टर आकाश? जस्ट अ मिनट सर, इस मीटिंग की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी बाकी है। हम अपनी कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 3% बढ़ा रहे हैं। What the hell is this? ये सीधे सीधे इनसाइड ट्रेडिंग है, वोट खींचने की एक चाल है ये। मिस आए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट में खींच लूंगा मैं आपको और आपके फादर को भी। मिस्टर आकाश कोएंका, चिल्लाइए मत और कंपनी के बायलॉज को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, अगर हम चाहें तो हर क्वार्टर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। मिस शैली सहाय, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर आकाश, बिहेव योरसेल्फ, इट्स टाइम टू इलेक्ट न्यू एमडी। Done. Done.
Hotel Kingston.